एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख, जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती हैं। पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है।